नमस्ते दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस। द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। ओके गुड। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज टू ट्रांसफॉर्म एन इक्वेशन इनटू अनदर हुज रूट्स आर m times the roots of given equation. So let us suppose given equation is f of x equal to a naught x power n plus a1 x power n minus 1 plus a n minus 1 x chahiye yahan par, x chahiye tha yahan, plus a n equal to 0. Now ye equation x mein dikh rahi hai, so let x be the root of given equation and y be the root of ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। देन अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या करना था हमको, ऐसे इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना है जिसके रूट m टाइम्स हो जाए। तो कंडीशन इज y इक्वल टू एम एक्स, तो यहां से x मिल जाएगा y बाय एम। देयरफॉर ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग x, ये यहां पर जो x है इसकी जगह y बाय एम रख दें, तो बाय रिप्लेसिंग x बाय y अपॉन m इन f ऑफ x, देयरफॉर ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन विल बी f ऑफ y बाय m इक्वल टू 0। तो जितने भी x है सब x को रिप्लेस कर देते इक्वेशन में, y बाय m, y बाय m, यहां पर x था a n माइनस 1 के साथ में, y बाय m प्लस a n इक्वल टू 0। और इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे y अपॉन y पावर n अपॉन m पावर n, हाईएस्ट पावर m पावर n दिखेगा डिनोमिनेटर में, पूरे इक्वेशन को m पावर n से मल्टीप्लाई कर दें और सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखें, दिस विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब इसके जो रूट्स है, इक्वेशन इज इन y, तो रूट विल बी y, एंड व्हाट इज y, y इज m टाइम्स x। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन को फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट्स रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, और साथ ही साथ में लीडिंग कोएफिशिएंट को वन बनाने के लिए। नोट द मेन यूज ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज टू क्लियर एन इक्वेशन ऑफ रैशनल कोएफिशिएंट्स। ये किस तरह से होता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। Yes, example one. Remove fractional coefficient from the equation 2x cube minus 3 by 2x square minus 1 by 8x plus 3 by 16 equal to 0. अब देखिए ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज के साथ साथ में एक लैंग्वेज और भी यहां वर्क करती है। ये फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट को रिमूव करके हमको न्यू इक्वेशन फॉर्म करनी है, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन फॉर्म करनी है, और साथ साथ में ये जो 2 है लीडिंग कोएफिशिएंट, यदि मान लो इसको हमने रिमूव नहीं किया और ट्रांसफॉर्म करने के बाद में फिर हम 2 से डिवाइड कर सकेंगे, फिर से वहां फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट दिखने लगेंगे। तो जब इस तरह की लैंग्वेज के प्रॉब्लम होते हो, रिमूव फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट, तो इसके साथ साथ में हमें लीडिंग कोएफिशिएंट को भी 1 बनाना जरूरी है। सेकेंड क्वेश्चन की जस्ट लैंग्वेज देख लेते, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन इनटू अनदर विथ इंटीग्रल कोएफिशिएंट एंड यूनिटी फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म। तो ये जो पार्ट है, यूनिटी फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म, ये भी कंपल्सरीली जब इस तरह की लैंग्वेज के प्रॉब्लम होंगे तो हमें करना होगा। और दोनों चीज कई बार एक साथ मिक्स करके दे देते, रिड्यूस द और ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन into another with leading coefficient 1 and removing fractional coefficients. So given equation is same, given equation likh diye. Now we put x equal to y by m, where m is quantity to be determined. Aisi kaun si quantity hum m le jisse hamare fractional coefficients remove ho jaye, wo dekhenge aage simplification ke baad mein. Jitne bhi x hai उनको रिप्लेस कर दो y बाय m से और सिंप्लीफाई करेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ m इन डिनोमिनेटर इज m क्यूब,
तो पूरे इक्वेशन को एम क्यूब से मल्टीप्लाई करने पर डिनोमिनेटर के जो m है ये यहां से निकल जाएंगे। इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरह से दिखने लगी। अब देखिए डिनोमिनेटर में अभी भी 8 दिख रहा है और 16 दिख रहा है। जब 1/8 की टर्म है तो उसके साथ में m स्क्वायर है और 3/16 के साथ में m क्यूब है। अब हमें अपने तरफ से सोचना होगा m की क्या मिनिमम वैल्यू ले, मिनिमम वैल्यू जिससे ये जो फ्रैक्शन है ये रिमूव हो जाए। तो m की वैल्यू यदि हम सपोज 2 सपोज करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 4/8 स्टिल वो पूरा पूरा फ्रैक्शन रिमूव नहीं होगा। 3 यदि लें तो 3 स्क्वायर और 8 रिमूव नहीं कर सकते वो टर्म। 4 लें यदि m की वैल्यू 4 तो 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 8 ये 2 बन जाएगा इधर इस टर्म में। और यहां पर m की वैल्यू यदि 4 लिया तो 4 4 16 4 64, तो 16 16 से डिवाइड होने के बाद में यहाँ एक 4 बचेगा। तो इस तरह से हमें डिसाइड करना होगा मिनिमम वैल्यू ऑफ m। तो सिंस द लीस्ट वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस फ्रैक्शन विल डिसअपियर इज m इक्वल टू 4, तो पुट m इक्वल टू 4 इन द अबव इक्वेशन और सिंप्लीफाई करो। तो m नहीं है यहां पर, इट विल बी सेम y 2y क्यूब। m की वैल्यू 4 लिखा, हाँ ये फर्स्ट टर्म भी थी, m की वैल्यू 2 लिखने से ये तो रिमूव हो रहा था लेकिन यहां रिमूव नहीं हो पाता था। अब 4 लिखने से सभी फ्रैक्शन रिमूव हो जाएंगे। तो m की वैल्यू 4 लिख के इसको सिंप्लीफाई करेंगे ऑल्सो डिवाइड बाय 2, डिवाइड दिस बाय 2। ये काम जो हमने बाद में किया ये काम पहले भी किया जा सकता था, यहीं पर 2 से डिवाइड करके फिर हम ये सेम वर्क रिपीट कर सकते थे, राइट। नाउ सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन, फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट दिख रहे इसमें, इनटू अनदर विथ इंटीग्रल कोएफिशिएंट। इंटीग्रल कोएफिशिएंट में कन्वर्ट करना मतलब फ्रैक्शंस को रिमूव करना है, लेकिन ये फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए केवल एलसीएम लेके हम मल्टीप्लाई कर दें तो फिर लीडिंग कोएफिशिएंट 1 के बदले कुछ और हो जाता था। तो आगे कंडीशन दी है एंड यूनिटी फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म, जो हम ऊपर बात कर रहे थे एग्जांपल 1 के साथ में। तो जब फ्रैक्शन कोएफिशिएंट रिमूव करना हो तो लीडिंग कोएफिशिएंट को भी 1 बनाना होगा। गिवन इक्वेशन इज, नंबर दे दिए 1 उसको, पुट एक्स इज इक्वल टू वाई बाय एम, जहां जहां एक्स है सब वाई बाय एम पुट करके, हाईएस्ट पावर ऑफ एम दिख रहा है एम क्यूब, तो पूरे इक्वेशन को एम क्यूब से मल्टीप्लाई कर लेते और सिंप्लीफाई करते। सिंप्लीफाई करने पर ये मिल गया इक्वेशन, सिंप्लीफाई करने पर ये इक्वेशन मिल गई। अब देखिए फ्रैक्शन है 1/4 और उसके साथ में m स्क्वायर है, फ्रैक्शन है 1/9 और उसके साथ में m क्यूब। अब एक जगह इवन नंबर है और एक जगह ऑड नंबर है। m की वैल्यू यदि 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 को ये 1/4 रिमूव कर सकता है, 1/4 × 4 ये रिमूव हो जाएगा, 1 बन जाएगा। लेकिन वो 2 यदि यहाँ रखते हैं तो 2 का क्यूब विल बी 8, तो ये 8/9 होगा, मतलब ये फ्रैक्शन रिमूव नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कुछ और m सोचना पड़ेगा यहाँ पर, तो वो m 2 से तो काम नहीं हो रहा है। 3 यदि ले लें तो 3 × 9 = 27 27/9 ये रिमूव हो जाएगा, बचेगा 3। तो एक जगह m की वैल्यू 2 काम कर रही है और एक जगह m की वैल्यू 3 काम कर रही है। तो ऐसे समय वी टेक वैल्यू ऑफ m एज प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 नंबर। सेंटेंस लिखा, सिंस द लीस्ट वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस फ्रैक्शन विल डिसअपियर इज m इज इक्वल टू 2 × 3 = 6। सो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ m एज 6 इन अबव इक्वेशन एंड सिंप्लीफाई, वी विल गेट रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। सिमिलरली अनदर प्रॉब्लम, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन, ट्रांसफॉर्म द, अब देखिए यहां तो कोई फ्रैक्शन नहीं दिख रहे, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन 3x^4 − 5x³ + x²−x + 1 = 0 इनटू अनदर द कोएफिशिएंट ऑफ हुज फर्स्ट टर्म इज यूनिटी। अब यदि मान लो इसको 1 बनाने
गए तो हमको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ फ्रैक्शन अपीयर हो जाएंगे, माइनस 5 बाय 3, 1 बाय 3, माइनस 1 बाय 3, 1 बाय 3। तो जब लीडिंग कोएफिशिएंट को 1 बनाना है, इसका मतलब हमको फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट्स रिमूव करने हैं। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में इस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं। गिवन इक्वेशन लिख लिया हमने बाय डिवाइडिंग थ्रू आउट विथ 3, ये फ्रैक्शन दिखने लगे भी। पुट x इक्वल टू y बाय m, y बाय m, y बाय m सब जगह पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे, हाईएस्ट पावर दिख रहा है m का, m पावर 4, तो थ्रू आउट मल्टीप्लाई बाय m, m पावर 4। ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाइड फॉर्म दिखने लगेगा ये, ये हो गया m पावर 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन। अब देखिए फर्स्ट टाइम ये 5 बाय 3 दिख रहा है, उसके साथ में m है, तो m की वैल्यू 3 काम कर सकती है ये फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए, m स्क्वायर है और यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है, तो 3 अगेन यहाँ पर भी काम कर सकता है, यहाँ पर भी 3 है, m की वैल्यू 3 पुट किया था तो यस ये फ्रैक्शन भी रिमूव हो सकता है, m पावर 4 है, 3 पावर 4 से ये 3 भी रिमूव हो सकता है डिनोमिनेटर का, तो मतलब पूरे एक्सप्रेशन में m की वैल्यू 3 काम कर रही है, काम कर रही है। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 3 एंड सिंप्लीफाई, m की वैल्यू रखकर सिंप्लीफाई कीजिएगा, यू विल गेट द रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। y पावर 4 माइनस 5 y क्यूब प्लस 3 y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 27 इक्वल टू 0, ये कुछ अलग है, दिस शुड नॉट बी हियर, ये नहीं होना चाहिए, ओके, यस दिस इज द इक्वेशन। This is the equation. Next problem, form an equation whose roots shall be minus 6 times the roots of the equation. अब दिया ये condition direct दी हुई है, तो ऐसे समय given equation का root x suppose कर लेते, transformed equation का root y suppose कर लो, then condition is y equal to minus 6x, that means x is equal to minus y by 6. Put x equal to minus y by 6 in given equation और इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करके जो हाईएस्ट कोएफिशिएंट नंबर दिख रहा है डिनोमिनेटर में उसे थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें, दैट विल बी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, तो इस तरह से ये जो फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट्स को रिमूव करने वाले प्रॉब्लम्स हैं ये सॉल्व किए जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज टू ट्रांसफॉर्म एन इक्वेशन into another whose roots are squares and cubes of the given equation, roots are squares and cubes of given equation. Example, if a b c are the roots of equation x cube minus px square plus qx minus r equal to 0, then find the value of 1 by a square plus 1 by b square plus 1 by c square. ऑलरेडी इस तरह के प्रॉब्लम हमने दूसरे मेथड से इसके पहले सॉल्व किया है, अब जब इसको हम ट्रांसफॉर्म करके यदि सॉल्व करना चाहें तो देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, मतलब सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एक से ज्यादा मेथड हो सकते हैं।
अब जो हमको वैल्यू फाइंड करनी है उसमें दिख रहा है 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर प्लस 1 बाय सी स्क्वायर। तो यदि गिवन इक्वेशन के रूट हम x माने और हम इसको ऐसी इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करें जिसके रूट 1 बाय वाई रेसिप्रोकल हो जाए, तो फिर ये हम आसानी से फाइंड कर सकेंगे। तो रिप्लेस x बाय 1 बाय वाई इन गिवन इक्वेशन, जहां जहां x है 1 बाय वाई से रिप्लेस कर दें और ये डिनोमिनेटर को फ्री करने के लिए y क्यूब से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हो गई ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। अब इसके रूट्स से गिवन इक्वेशन के रूट्स से रेसिप्रोकल के रिलेशन में होंगे। तो गिवन इक्वेशन के रूट्स ए बी सी दिए हैं, तो ये ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन के रूट्स हो गए 1 बाय ए, 1 बाय बी, 1 बाय सी। ये इक्वेशन के रूट्स है 1 बाय ए, 1 बाय बी, 1 बाय सी। तो फर्स्ट रिलेशन सम ऑफ रूट्स लिखा जा सकता है 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ सेकेंड कोएफिशिएंट अपॉन फर्स्ट, यानी क्यू बाय आर आ गया। फिर सेकेंड रिलेशन सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, ये एस टू, 1 अपॉन ए इंटू 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन बी इंटू 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी इंटू 1 अपॉन ए इज इक्वल टू प्लस ऑफ थर्ड कोएफिशिएंट अपॉन फर्स्ट पी अपॉन आर, ये आ गया। एंड थर्ड रिलेशन इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स, उसकी जरूरत है नहीं लेकिन लिखा जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी 1 अपॉन ए इंटू 1 अपॉन बी इंटू 1 अपॉन सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ लास्ट कोएफिशिएंट अपॉन फर्स्ट यानी माइनस ऑफ माइनस 1 अपॉन आर, दैट इज 1 अपॉन आर हो जाएगा। अब इनके स्क्वायर्स का एडिशन चाहिए था 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर प्लस 1 बाय सी स्क्वायर, तो ले लेते। दिस कैन बी रिटन एज 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी का होल स्क्वायर, लेकिन जब स्क्वायर करेंगे तो प्रोडक्ट वाली टर्म और एक्स्ट्रा आएगी जो नहीं चाहिए हमको, तो हम उसको बैलेंस करने के लिए माइनस कर देते हैं। माइनस टू टाइम्स 1 बाय ए बी प्लस 1 बाय बी सी प्लस 1 बाय सी ए। ये एस वन से वैल्यू मालूम है इसकी, ये ब्रैकेट की वैल्यू एस वन से पता है q बाय पी, ये पुट किया उसका स्क्वायर। माइनस टू टाइम्स ये वैल्यू एस टू से पता है, इसकी वैल्यू है पी बाय आर, ये पुट किया और दोनों को सिंप्लीफाई किया, तो आर स्क्वायर एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू स्क्वायर इंटू आर माइनस टू पी इज द आंसर। अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर इलिमिनेट, सेकेंड क्वेश्चन, इलिमिनेट द इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर स्क्वायर्स ऑफ दोज ऑफ गिवन इक्वेशन, मतलब इसके रूट्स जो होंगे उसके स्क्वायर बन जाए, ऐसी हमको इक्वेशन फॉर्म करनी है, ट्रांसफॉर्म करनी है। तो लेट वाई बी द रूट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, वाई बी द रूट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन एंड एक्स बी द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, देन कंडीशन इज वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट गिवन इक्वेशन के रूट के स्क्वायर होंगे, तो यहां से x मिल जाएगा, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y, पुट करो इक्वेशन में, जहां जहां x है वहां वहां रूट y पुट करो। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते, रूट y का क्यूब है ना, y रूट y प्लस पी वन वाई प्लस पी टू रूट y प्लस पी थ्री, लेकिन इक्वेशन में रेडिकल साइन नहीं चलेंगे, तो रेडिकल साइन वाली टर्म एक साथ लिख के बाकी के टर्म को शिफ्ट करो दूसरी तरफ, कॉमन लिया रूट वाई कॉमन लिया, तो वाई प्लस पी टू रूट वाई इज इक्वल टू माइनस, बाकी की टर्म उधर शिफ्ट कर दिए, रेडिकल साइन को रिमूव करने के लिए स्क्वायर कर दो दोनों तरफ और सिंप्लीफाई करके रीराइट द इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर स्क्वायर्स ऑफ दोज ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन तो लेट एक्स बी द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन एंड वाई बी द रूट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, देन कंडीशन इज वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस गिव्स, यहाँ एक्स चाहिए, यहाँ एक्स लिखा होना चाहिए था, एक्स इक्वल टू रूट वाई, तो पुट करो एक्स की वैल्यू रूट वाई और इसको सिंप्लीफाई करो, अगेन रेडिकल साइन की टर्म एक तरफ रख के नेक्स्ट टाइम उसको स्क्वायर कर दो तो रिमूव हो जाएगा रेडिकल साइन।
स्क्वायरिंग करने पर वो रिमूव हो जाएगा। अनदर, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर क्यूब ऑफ द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो लेट एक्स बी द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन एंड वाई बी द रूट ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। ये लैंग्वेज को लिख दिया करो स्टार्टिंग में। देन कंडीशन इज वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, रिक्वायर्ड रूट इज क्यूब ऑफ गिवन रूट। सो दिस गिव, अगेन यहां पर एक्स चाहिए था, ये कैसे मिस हो गई ये चीज, यहां एक्स चाहिए था, एक्स इक्वल टू वाई पावर वन बाय थ्री। तो पुट ऑल एक्स एज वाई पावर वन बाय थ्री पावर ऑफ वाई, वाई पावर वन बाय थ्री सब जगह रख दो। तो एक्स क्यूब तो डायरेक्ट डायरेक्ट वाई है, थ्री टाइम्स वन बाय एक्स की जगह रखा वाई का पावर वन बाय थ्री का स्क्वायर, इट इज वाई पावर टू बाय थ्री प्लस टू इक्वल टू जीरो। रेडिकल वाली टर्म को एक तरफ शिफ्ट करके फिर स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग नहीं, स्क्वायरिंग करने से रेडिकल साइन नहीं जाएगा, ये वन अपॉन थ्री है यहाँ पर, टू इंटू वन अपॉन थ्री, तो क्यूब करना होगा, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। इसके बाद टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब, ओके, क्यूब लिखने के, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो यहां से रेडिकल साइन जो 1 बाय 3 है वो रिमूव हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, दैट विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। दीज आर होमवर्क प्रॉब्लम्स, सेम लाइंस पर सॉल्व कीजिएगा इन्हें। तो ये कुछ टाइप्स है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन के, और भी हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस पढ़ना होगा, जिसे आगे के क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए यहां रोकते हैं, बाय बाय, जय गणित।